बिना सर्जरी भी अब कई नेत्र रोगों का आयुर्वेद तरीके से इलाज किया जा रहा है। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेदिक औषधि, थेरेपी और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के जरिए नेत्र रोगों का उपचार किया जा रहा है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता महेश धादीज की रिपोर्ट। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। भले ही ऑफिस में कंप्यूटर पर कामकाज हो या फिर मोबाइल पर देर रात तक जुटे रहना, ये आम जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। ऐसे में लोगों की आंखों पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। ज्यादातर बुजुर्ग मोतियाबिंद या फिर ग्लूकोमा जैसी शिकायतों को लेकर जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पहुँच रहे हैं, तो वहीं युवाओं में डिप्लोपिया और नेत्र ज्योति कम होने जैसी परेशानियां देखने को मिल रही है। संस्थान के शलाक्य तंत्र की विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर शमजा फियाज बताती हैं कि आयुर्वेद उपचार के बाद कई रोगियों ने अपने आँखों में सुधार महसूस किया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के नेत्र रोग विभाग में आंखों से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रतिदिन 70 से 80 रोगी पहुंच रहे हैं। यहां पर ज्यादातर लोग वो हैं जो एलोपैथी या अन्य पद्धतियों से उपचार ले चुके हैं। आयुर्वेद चिकित्सकों की माने तो यहां पैरा सर्जिकल प्रोसीजर भी अपनाया जाता है, जो कई मरीजों के लिए बड़ा मददगार साबित हुआ है। हमारे दिन की ओपीडी में 70-80 कभी 100 भी हम क्रॉस कर लेते हैं, और अलग तरह तरह के पेशेंट आते हैं। जिन पेशेंटों का इलाज कहीं नहीं होता है, उस तरह के पेशेंट आके यहाँ इलाज करके भी गए हैं। जैसे डिप्लोपिया का एक पेशेंट है जो एम्स जैसे हॉस्पिटल में भी जिनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो आके यहाँ ठीक होके गया है। और यूवेइटिस के पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट जो लास्ट स्टेज में जहाँ ट्रीटमेंट रुक जाता है और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, ऐसे पेशेंट का हम इलाज करते हैं। और रेटिनल प्रॉब्लम्स जो भी हैं, तो इनका इलाज जहां मॉडर्न में नहीं होता है, ऐसे पेशेंट का इलाज करते हैं। और हमारे पास पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, तो पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स में जैसे पेन हो रहा है, तो पेन को इमीडिएट करने के लिए कंजेशन है, यूवेइटिस में सारा कंजेशन रहता है, तो उसमें हम जलों का जो लीच थेरेपी करते हैं। और उसके साथ साथ हमारा शारकर्म भी, जैसे कॉन्क्रीशंस हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होते हैं आईलिड्स में, उसको भी कम करने के लिए हम शारा यूज़ कर सकते हैं। नेत्र रोगों के उपचार में आयुर्वेदिक क्रियाकलापों में विभिन्न आयुर्वेदिक दवाई परहेज के साथ दी जाती है। आयुर्वेद में घरेलू नुस्खे भी रोगियों को सुझाए जाते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा का कहना है कि विभाग में कई नवाचारों के साथ रिसर्च पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है, ताकि हर्बल दवाओं के जरिए मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। आयुर्वेद में नेत्र रोगों को लेकर के एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद के माध्यम से नेत्र रोगों की जो चिकित्सा है वो बड़ी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और कई तरह की विधाएं हैं जो आयुर्वेद में, खाने के लिए औषधियां हैं, कुछ प्रोसीजर हैं, बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिनको हम क्रियाकल्प के नाम से जानते हैं। और वो चार पाँच ऐसे प्रोसीजर हैं, जैसे आश्चोतन, तर्पण, विडालक, इस तरह के कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें मेडिकेटेड ऑयल्स के द्वारा आँखों को ट्रीट किया जाता है। और उससे जितने जो स्क्रीन स्ट्रेस है या विजन सिंड्रोम है या दूसरे और भी इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स इवन हैं, उसमें बहुत बढ़िया लाभ लोगों को मिलता है। आमतौर पर आँखों के इलाज के लिए एलोपैथी पर लोगों का झुकाव होता है, लेकिन आयुर्वेदिक इलाज से मिलते सफल परिणाम लोगों को आयुर्वेद की ओर आकर्षित कर रहे हैं। आमजन को गुणवत्तापूर्ण और उच्च स्तरीय उपचार मिल सके, इसे लेकर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी खास कवायद में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।